नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानमेटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपकी कोई SSB है, स्पेशली अगर आपकी FCAT की SSB है या फिर आपकी NDA में आपने प्रेफरेंस जो है वो एयरफोर्स भरी है या फिर CDS में आपने प्रेफरेंस जो है फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स भरी है, तो आपकी SSB जो है वो AFSB में आएगी 1, 2, 3 या 4 में से। तो वहाँ पे आपसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी जिनको आपको याद करना है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इंटरव्यू में हो सकता है पूछे जाएँ। तो फर्स्ट फैक्ट जो है इंडियन एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना के बारे में वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है एंड इट कम्स आफ्टर USA, रशिया एंड इसराइल। ठीक है, तो USA, रशिया, इसराइल के बाद फोर्थ नंबर पर इंडियन एयरफोर्स आती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब जितने पर्सनल्स इसमें काम करते हैं, मोर ओवर जो एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के पास उसके हिसाब से इसे रैंक किया गया है फोर्थ वर्ल्ड में। आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स डे जो होता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश ऑफिशियली जो हुआ था वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1932। ठीक है, 1932 में जो एयरफोर्स थी इंडिया की वो टाइटल था उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो 1932 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है और आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडियन एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल जो है प्रिफिक्स जोड़ा गया, इसे ऑनर किया गया रॉयल के नाम से। लेकिन लेटर जब इंडिया फुली रिपब्लिक बन गया, मतलब इन 1950, 26 जनवरी 1950, जो ये प्रिफिक्स था रॉयल इसे रिमूव कर दिया गया और जो एयरफोर्स का नाम था वो सिर्फ रह गया इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो आफ्टर 1950 जो हम अभी नाम अपनी एयरफोर्स का जानते हैं इंडियन एयरफोर्स, वो आफ्टर 1950 रखा गया है। अब एयर चीफ मार्शल की बात करें, दिस इज एस, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एयर चीफ मार्शल की बात करें तो एयर चीफ मार्शल जो होता है वो एक 4-स्टार रैंक रहती है और करंटली एयर चीफ मार्शल जो है वो हैं BS धनोआ, जिनकी पिक्चर आप इस स्लाइड में देख सकते हो, ये हैं BS धनोआ जी और ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। अब इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ एक ही पर्सन को 5-स्टार रैंक से सम्मानित किया गया है। 5-स्टार रैंक जो होती है वो एयर चीफ मार्शल से भी ऊपर एक रैंक होती है, मार्शल ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, एयर स्टाफ, तो वो अभी तक सिर्फ एक पर्सन को दी गई है जिनका नाम है अर्जन सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द मार्शल ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स। ठीक है, तो वो है अर्जन सिंह एंड अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द चीफ ऑफ एयरफोर्स तो वो है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कमांड्स और हेडक्वार्टर्स के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा अगर आप SSB की तैयारी कर रहे हो या फिर आप FCAT के रिटर्न की बात करें, तो वहाँ भी हो सकता है आपसे एयरफोर्स के कमांड्स के बारे में पूछें कि कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल एयर कमांड की बात करें, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेसिकली इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ईस्ट की बात करें तो ईस्टर्न जो एयर कमांड है वो है मेघालय में, शिलोंग में। ठीक है, ईस्टर्न आ गया शिलोंग, सेंट्रल आ गया इलाहाबाद, देन वी हैव सदर्न आ गया आपके पास, साउथ में है तिरुवंतपुरम। ठीक है, साउथ के बाद आपके पास है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपके पास आता है गांधीनगर। गांधीनगर के बाद बात करते हैं वेस्टर्न एयर कमांड की, तो वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका वेस्टर्न एयर कमांड है। उसके बाद दो कमांड जो हैं ये आपकी फंक्शनल कमांड रहती हैं, वन इज़ ट्रेनिंग कमांड एंड अदर वन इज़ मेंटेनेंस कमांड। जो ट्रेनिंग कमांड है इट इज़ एट बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, बेंगलोर में है ये, कर्नाटका में। और मेंटेनेंस कमांड की बात करें तो इट इज़ एट नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 7 जो आपकी कमांड्स हैं एयरफोर्स की उनके हेडक्वार्टर्स आपको
लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। नेक्स्ट, जो आपके इंडियन एयरफोर्स ने हिस्ट्री में जो भी ऑपरेशंस किए हैं, 4 मेजर ऑपरेशंस जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं, तो ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट मैं इंडियन एयरफोर्स एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, यहाँ आप उसे प्लेलिस्ट को अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पूमलाई, ये 4 ऑपरेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक किए हैं। मोरोवर अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में भी। ऑपरेशन विजय की बात करें तो ऑपरेशन विजय जो है इट डील्स विद गोवा लिबरेशन, ठीक है। गोवा में पोर्टुगीज़ की हुकूमत थी 1961 तक, ये अंडर पोर्टुगीज़ रहा है, और 1961 में गोवा को फ्रीडम मिली है बाय मिलिट्री एक्शन, ठीक है। इसमें ऑपरेशन विजय जो है वो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने नाम रखा इस ऑपरेशन का, मिलिट्री ऑपरेशन का इंडियन एयरफोर्स ने नाम रखा ऑपरेशन विजय। इसमें इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडियन जो आर्मी है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उन तीनों ने मिलकर गोवा को लिबरेट किया था फ्रॉम द पोर्टुगीज, ठीक है। पोर्टुगल का कब्जा था गोवा पे और उनसे लिबरेट करवाया था गोवा को 1961 में। ईयर भी आपको याद होना चाहिए, 1961 में गोवा जो है वो लिबरेट हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का भी क्रूशियल रोल रहा है, उन्होंने कैप्चर किया था इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को, सियाचिन ग्लेशियर। पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया के कब्जे में है अब, और इंडिया ही इसे कंट्रोल करता है। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो डेट जो है वो आपको पता होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1984, ठीक है। 13 अप्रैल 1984 को क्या हुआ था कि इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, उसने उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया बिफोर पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया था। डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ लेंगे, जिसमें मैं डिटेल में इन सभी ऑपरेशंस के बारे में वन बाय वन एक एक वीडियो में समझाऊंगा, ताकि जो आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं इन ऑपरेशंस के बारे में पता चलती जाए। तो उसके लिए आप या तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर इस प्लेलिस्ट को अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में मैं बाकी सभी जो भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी वो मैं डालता रहूँगा। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ जो भी हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं उनके बारे में डिटेल्स, आपको जो बेसिक डिटेल्स, आपको बेसिक नॉलेज जो आपको होना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट इज ऑपरेशन कैक्टस। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है इट इज़ रिलेटेड टू मालदीव्स, ठीक है। मालदीव से ये रिलेटेड है और ये 1988 की बात है। तो 1988 में क्या हुआ था कि मालदीव्स में तख्ता पलट, जो एक मालदीव्स में एक रेबेल ग्रुप था जिसके लीडर थे अब्दुल लुतुफी, ठीक है। अब्दुल लुतुफी ने क्या किया कि श्रीलंका में एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी हेल्प से 2 शिप्स जो हैं वो हाईजैक की और प्रेशराइज करने लगा मालदीव्स की गवर्नमेंट को कि मतलब जो तख्ता है उसको दे दें। तो मालदीव्स में उस समय बहुत सी कंट्रीज से हेल्प मांगी मालदीव्स ने। मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प मांगी, श्रीलंका से हेल्प मांगी, देन दे आस्क हेल्प फॉर फ्रॉम यूएसए आल्सो, यूएसए, यूके, सबसे हेल्प मांगी। लेकिन ऐसा था कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने सीधे मना कर दिया कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने तो मना कर दिया। यूएसए ने कहा कि यूएसए अभी जो उनका नियरेस्ट बेस स्टेशन भी है वो भी मालदीव से बहुत दूर है, ठीक है। मालदीव से बहुत ही ज़्यादा दूर था उनका बेस स्टेशन, तो अगर यूएसए हेल्प भेजता भी है तो भी काफ़ी देर हो जाएगी, 2 दिन लग सकते हैं। तो इतना टाइम मालदीव्स के पास जो है वो नहीं था। तो यूएसए ने सजेस्ट किया कि यू शुड आस्क हेल्प फ्रॉम
इंडिया, तो उन्होंने इंडिया में बात की। इंडिया के उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। उन्होंने क्या किया कि इंडियन एयरफोर्स को कहा कि यू हैव टू गो एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस नाम से इस ऑपरेशन को रखा। और इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ जाके मालदीव्स की हेल्प की और तख्ता पलट होने से बचा लिया। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन पूमलाई। तो ये 1987 का ऑपरेशन है। इसमें क्या था कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो रही थी तमिल टाइगर्स और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। जो तमिल टाइगर्स थे वहाँ के, जो तमिल स्पीकिंग ग्रुप था, उन्हें अब इंडिया में भी तमिल्स थे, तो इंडिया के तमिल्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वहाँ पे जो श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग पीपल हैं उन्हें उनकी हेल्प की जाए। तो उस हेल्प के लिए इंडियन एयरफोर्स को कहा गया कि यू हैव टू ड्रॉप सप्लाईज़ फॉर दीज तमिल टाइगर्स, ठीक है, उन्हें सप्लाई भेजनी पड़ेगी थ्रू एयर ड्रॉप, ठीक है। एयर ड्रॉप के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को कहा गया कि यू हैव टू गिव एड टू दीज तमिल टाइगर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने 1987 में एयर ड्रॉप किया जाफार। जाफार एक श्रीलंका में जगह है, वहाँ पे ये एयर ड्रॉप्स जो हैं वो किए गए श्रीलंका में घुस के। तो ये ऑपरेशन पूमलाई के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इन्हीं इन चार ऑपरेशंस का। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आज या कल तक मैं अपलोड कर दूँगा, वो होगी इंडियन फाइटर प्लेन्स के बारे में, जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।